नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के तिगड़ी धाम पर गंगा यात्रा यानी 28 जनवरी को लगभग 1 बजे गंगा यात्रा पहुंचेगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उच्च कार्यकर्ता जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा के तिगरी धाम पर गंगा यात्रा होने की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और प्रशासन अलर्ट भी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी, जिला पंचायत विधायक राजीव तरारा, विधायक महेंद्र सिंह खड़क, बंशी अमरोहा जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक व भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता ने आरती स्थल पर पहुंचकर सम्मिलित हुए। लेकिन यहाँ पर सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्षा सरिता चौधरी पति भूपेंद्र चौधरी आरती स्टेज पर सम्मिलित नहीं हुए। चौंकाने वाली बात यह रही कि हसनपुर विधानसभा विधायक महेंद्र सिंह खड़क, वंशी धनौरा विधानसभा विधायक राजीव शरारा और जिला अध्यक्ष अमरोहा ब्रजेश चौधरी ही आरती स्टेज पर सम्मिलित हुए। गौर करने वाली बात यह होगी कि आखिर क्या वजह रही। जिला पंचायत अध्यक्ष व उनके पति को आरती स्टेज पर बुलाना उचित नहीं समझा गया, या फिर वह अपनी मर्जी से स्टेज पर नहीं पहुंचे, यह तो सवाल जरूर खड़ा होता है। गजरौला से प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। सर, आज जो आरती करी है गंगा स्थल पर, इसके बारे में बताइए। आज हमारी गंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। तो बाजीतपुर में इसके पहले कार्यक्रम था, अभी तिगरी में गंगा आरती हुई है और सभी गंगा भक्तों ने, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और गंगा मैया की बड़े ही मन से यहाँ पर आरती की और ये संकल्प भी लिया है कि आने वाले समय में भी प्रतिदिन यहाँ पर आरती हो, माँ गंगा को स्वच्छ निर्मल अविरल बनाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वप्न है कि गंगा मैया निर्मल रूप से, अविरल रूप से निरंतर बहती रहे और हमारी धार्मिक भावनाओं का जो केंद्र ये तिगरी धाम है, यहाँ पर अच्छा निर्माण होकर के, घाटों का निर्माण होकर के आने वाले समय में और इसको सुंदर बनाया जा सके, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है और भविष्य में इसको घाटों का निर्माण के साथ साथ सौंदर्यकरण के लिए भी हम लोगों ने संकल्प लिया है कि उसको सौंदर्यकरण कराएंगे। सर, कल योगी जी के आगमन के लिए आपकी जो व्यवस्था है क्या क्या है? योगी जी यहाँ पर, हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं दिनेश शर्मा जी, वो आ रहे हैं पहले ब्रजघाट में और ब्रजघाट से फिर 1 बजे यहाँ पर यात्रा आएगी। उसमें सभी हमारे गंगा भक्त पूरे जनपद के इकट्ठे होंगे, सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और इस कार्यक्रम को भव्य रूप से, यानी कि जन जागरण के माध्यम से गंगा जी की शुद्धता के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में माँ गंगा को और शुद्ध किया जा सके और अविरल किया जा सके और निर्मल किया जा सके। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गंगा यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।